गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ तीन तीन गुड न्यूज़। पहली गुड न्यूज़ तो यह है कि यार अपने इंडिया सर्वर के अंदर बिल्कुल फ्री में मैजिक क्यूब मिलने वाला है। और सेकंड गुड न्यूज़ यह है कि यार अपने इंडिया सर्वर के अंदर न्यू ओपी से M887 की स्किन आने वाली है। और तीसरी लास्ट गुड न्यूज़ यह है कि यार अपने इंडिया सर्वर के अंदर न्यू M887 स्किन आने की वजह से ट्रॉपिकल पैरेट M887 स्किन रिटर्न आने वाली है। जी हाँ गाइज आपने सही सुना, तीनों गुड न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं एंड आप भी सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो आज की इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे एंड साथ में गाइज बात करेंगे फ्री फायर में आने वाले कुछ नए नए अपडेट एंड आइटम्स के बारे में। तो ये वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। हमेशा एक तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज बात कर लेते हैं फ्री मैजिक क्यूब के बारे में। गाइज नया साल 2023 की खुशी में फ्री फायर वाले आप सभी को फ्री में मैजिक क्यूब दे रहे हैं। और देखो यार ये सिर्फ अभी फ्री फायर की तरफ से लीक्स निकल के आ रहे हैं कि नए साल वाले दिन आपको फ्री में मैजिक क्यूब मिलेगा, क्योंकि 2022 स्टार्टअप आया हुआ हो रहा है, नया साल 2023 आ रहा है, तो 1 जनवरी को नए साल वाले दिन आपको फ्री में मैजिक क्यूब मिलने के हाई चांसेस हैं। अब देखते हैं भाई इस लीक में कितनी सच्चाई है, वो तो यार हमें 1 जनवरी को ही पता लगने वाला है। और यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फ्री फायर वाले जो है ना 1 तारीख को कुछ तगड़ा करने का प्लान कर रहे हैं भाई, इनकी शिकल देख के मुझे साफ साफ पता लग रहा है। लेकिन हाँ यार 1 तारीख को आपको फ्री मैजिक क्यूब तो मिलेगा ही, साथ में गाइस भुया पास में आने वाले अपने इंडिया सर्वर के अंदर। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भुया पास की कीमत वगैरह क्या होने वाली है। देखो भुया पास की भी सेम लाइट पास की तरह दो ही कीमत रहेंगी, 300 डायमंड और 800 डायमंड। 300 डायमंड में आपको प्रीमियम पास मिलेगा भुया पास, और 800 डायमंड में प्रीमियम प्लस भुया पास मिलेगा, ठीक है। लेकिन 800 डायमंड वाला भुया पास लेने के बाद भी यार आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि यार उसे थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। अगर आपको और भी अतरंगे अतरंगे आइटम चाहिए तो आपको और डायमंड खर्च करने पड़ेंगे भाई। पहले कह रहा हूँ कोई भी यार इस चक्कर में मत खरीदना इस भुया पास सीजन 1 को, कि ये आगे जाकर रेयर हो जाएगा। रेयर तो कुछ नहीं है भाई फ्री फायर में, ठीक है। और इसी के साथ में गाइस यहाँ पे कुछ पेंडिंग प्रोफाइल एनिमेशन पड़ी हुई थी इसी अपडेट की, जो कि आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले एनिमेशन गाइस आप लोग देख सकते हो, स्पॉटलाइट ग्रोवर इसका नाम है। और ये एनिमेशन गाइस मुझे मस्ती लगती है, क्योंकि भाई इसमें ना फनी डांस करता हुआ आपका करेक्टर आएगा। और सेकंड एनिमेशन है बुलेट मास्टर, भाई ये भी यार तगड़ी लगी। और उसके बाद तीसरी एंड लास्ट एनिमेशन है गाइस जिग जैगर, जो कि यार मुझे लिटरली बेस्ट लगी एनिमेशन, क्योंकि इसमें आपका करेक्टर बहुत ही तगड़ी एक्शनबाजी कर रहा है। और ये एनिमेशन गाइज आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर जल्दी ही देखने को मिलने वाली हैं। तो भाई ये आपको किसी मोको स्टोर में या किसी फेयरवेल इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको इन तीनों एनिमेशन में से कौन सी एनिमेशन अच्छी लगी। और चले गए जब आपको दिखा देता हूँ M887 की न्यू OPC स्किन, जिसको देखने के लिए आपके आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन यार उसको देखने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। तो गाइस जो अपने न्यू M887 की स्किन होने वाली है उसका नाम है फ्रीजिंग फ्लेम। ये M887 की स्किन अपने पिछले अपडेट में निकल गई थी, लेकिन तब फ्री फायर वालों ने इसे पोस्टपोन कर दिया। और गाइज अब ये फाइनली OB38 अपडेट में आने वाली है। तो यार आप लोग इसका लुक इफेक्ट एनिमेशन वगैरह देख सकते हो। और यार अभी इसके जो है ना एट्रीब्यूट्स नहीं निकल के आए हैं, तो फिलहाल यार लुक से ही काम चला लो। जैसे इसके एट्रीब्यूट्स निकल गएंगे वो मैं आपको आने वाली वीडियोज में दिखा दूंगा। लेकिन हाँ इतना तो कह सकता हूँ कि भाई इसके जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे ना वो अपने ट्रॉपिकल पैरेट से तगड़े रहेंगे, क्योंकि यार आप ही बताओ अगर फ्री फायर वाले पुराने आइटम से तगड़ा नया आइटम नहीं बनाएंगे तो उनका नया आइटम कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसके एट्रीब्यूट ट्रॉपिकल पैरेट से वो ज़्यादा तगड़े रखने वाले हैं, तभी तो गाइस अपने ट्रॉपिकल पैरेट को वो रिटर्न लाएंगे और फिर बंदे ट्रॉपिकल पैरेट को निकालेंगे। और जब देखेंगे कि ट्रॉपिकल पैरेट से तगड़े एट्रीब्यूट्स इस वाली में हैं तो फिर इसको भी निकालेंगे। समझ रहे हो आप स्ट्रेटेजी फ्री फायर वालों की, ठीक है। वैसे तो यार मुझे सही लगी M887 की न्यू स्किन फ्रीजिंग फ्लेम, आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी। और इसके एट्रीब्यूट जल्दी आएंगे वो मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर कर दूंगा। और गाइस अगर बात की जाए इसकी कंफर्म डेट की, तो भाई देखो M887 की न्यू स्किन OB38 का आइटम है, तो अपना OB38 आने में अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। 15 जनवरी से पहले पहले अपना OB38 अपडेट आ जाएगा। और गाइस इसके जो लीक्स निकल के आ रहे हैं ना वो अपने जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर के निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखो लीक्स निकल के आई हैं, कंफर्म मत समझना। और चले गाइस बात कर लेते हैं अपनी ट्रॉपिकल पैरेट M887 की रिटर्न डेट एंड इवेंट के बारे में। देखो भाई अपनी ट्रॉपिकल पैरेट M887 रिटर्न आएगी, ये कंफर्म है, क्योंकि M887 की न्यू स्किन आने वाली है। और यहाँ पे लीक्स निकल के आ रहे हैं कि आपको ट्रॉपिकल पैरेट अकेले ही रिटर्न में नहीं देखने को मिलेगी, इसके साथ में M887 की और भी रेयर M887 की स्किन, जैसे कि यहाँ पे गोल्डन क्लियर हो गई, रैपर विस वाली हो गई एंड एमराल्ड पावर वाली हो गई, मतलब ये 3-4 M887 की स्किन होंगी और इनमें जो टॉप में रहेगी वो अपनी ट्रॉपिकल पैरेट रहेगी। तो एक साथ M887 के स्किन को रिटर्न में डालने वाले हैं। और यहाँ पे इवेंट बताया जा रहा है गाइस स्टाइल अप इवेंट, क्योंकि स्टाइल अप इवेंट के अंदर आपको ये 4-5 M887 के स्किन देखने को मिलेंगी। आपको जो अच्छी लगे आप उसे चूज करके उसके ऊपर स्पिन करना स्टार्ट कर सकते हैं, लग अच्छा हुआ तो वो जल्दी निकल जाएगी,
ठीक है। तो स्टारलाइट पेमेंट 10 के लिए अभी कंफर्म हो चुका है। एंड बात करें इनकी कंफर्म डेट की, जैसा कि मैंने आपसे कहा न्यू M87 स्किन आने से पहले आपको ये रिटर्न में देखने को मिलेंगी। तो गाइस ट्रॉपिकल पैरेट M87 को निकालने के लिए आपको 25 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू M87 स्किन आने से एक हफ्ते पहले ही आपको ट्रॉपिकल पैरेट रिटर्न देखने को मिल जाएगी। तो यार अब आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको ट्रॉपिकल पैरेट M87 निकालने है या M87 की न्यू स्किन फ्रीजिंग फ्लेम निकालने है, और आप इनको निकालने के लिए कितने डायमंड तक का खर्चा कर सकते हो साथ में ये बताना कमेंट बॉक्स में। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।